ये गाड़ी अचानक से बिजी रोड पे धीरे धीरे मूव करने लगी। अब ये नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बट मैक्सिमम लोग इसे नोटिस नहीं कर रहे थे और चले जा रहे थे। पर एक लेडी ने ये नोटिस किया और जब भागकर जाकर देखी तो ड्राइवर बेहोश थी। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी बट अकेले पॉसिबल नहीं था, तो ये देखकर धीरे धीरे और लोग इकट्ठा हो गए और गाड़ी रुक गई। एंड कार का दरवाजा लॉक था, इसलिए एक लेडी के पास डंबल था जिसके सहायता से शीशा तोड़कर उस लेडी को बाहर निकाला गया। एंड बाद में पता चला कि इस लेडी ने खाली पेट दवाई खा ली थी, इसलिए बेहोश हो गई। फैक्ट नंबर टू, अगर इस सील ने किसी शिकार को पकड़ लिया तो समझो कि अब उसे उसका बाप भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके मुंह के अंदर एक और मुंह होता है जो बिल्कुल बेरहमी से उस शिकार को अपने पेट में घसीट ले जाता है। एक्चुअली इस जानवर का नाम है मोरे ईल, जो कि डीप ओशन में पाई जाती है। एंड इसकी डेंजरस बात यह है कि इसके मुंह में डबल जॉ होता है, एक तो सामने जो दिखता है बट एक होता है मुंह के अंदर जो नहीं दिखता। तो क्या होता है कि ये अपने शिकार को सामने वाले जॉ से पकड़ लेती है ताकि भागे ना। एंड उसके बाद इसके अंदर से आता है इसका दूसरा जॉ जो उसको पकड़कर पेट में घसीट ले जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, साउथ कोरिया के होटल रूम्स में जाते ही तुरंत पहले कैमरा चेक करो, क्योंकि साउथ कोरिया में हिडन कैमरास की इतनी प्रॉब्लम है कि लिटरली आपको हर जगह ये कैमरास मिल जाएंगी। बंदों ने ऐसी ऐसी जगह पे कैमरा छिपा रखी होती है कि सोचना भी मुश्किल है, जैसे स्क्रू के अंदर, टैब के अंदर, चार्जर के अंदर, घड़ी के अंदर, कर्टन के अंदर, मतलब यार ऑलमोस्ट हर जगह। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि सिर्फ 2013 से 2018 के बीच साउथ कोरिया में 30,000 महिलाओं ने कंप्लेन किया कि उनके प्राइवेट वीडियो को हिडन कैमरा से रिकॉर्ड किया गया। और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि इसे महामारी का नाम दे दिया गया है।